ईद उल फितर को लेकर पाथरदीप थाना परिषद में शांति समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता थाना के सहायक थाना प्रभारी देवीदास मुर्मू ने किया व संचालन सुधीर सिंह ने किया। वहीं बैठक में ईद को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में बनाने का निर्णय लिया गया। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का भड़काऊ पोस्ट ना करने की अपील की गई तथा ऐसे मैसेज आने पर अविलंब नजदीकी थाने को सूचित करें, जिस पर प्रशासन सख्ती से निपटने का काम करेगी। वहीं प्रशासन की क्षेत्र में पेट्रोलिंग चलेगी तथा हर मस्जिदों में प्रशासन अलर्ट मोड पर मुस्तैद रहेंगे। झरिया से रिपोर्टर मनोज साहु। आज दिनांक 13/4/2023 को शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया था थाना में। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि अब जैसे 22 तारीख को हम लोग का ईद उल फितर का त्यौहार आ रहा है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए रखा गया है। कुछ दिशा निर्देश क्या क्या दिया गया है सर? इसमें दिशा निर्देश यही दिया गया है कि सबसे पहले तो जैसे आखिरी जो जुम्मा का नमाज है, आखिरी जो शुक्रवार को होता है, उस दिन भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है, तो उस दिन ज़्यादा निगरानी रखना है। और उसके बाद फिर ईद का त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाना है। सभी धर्म के लोगों से यही अपील है कि अपना अपना जो है मिलजुल कर बनाएं, एक दूसरे का धर्म का प्रति इज्जत बना के रखें। और यही है, सभी प्रकार किसी तरह का हुदंग वगैरह होता है तो इस पर विशेष निगरानी प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। और इसके अलावा जैसे सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह भी है, फेसबुक चाहे व्हाट्सएप हो, किसी भी प्रकार का अगर आपत्तिजनक कोई ऐसा वायरल होता है कुछ भी स्टेटमेंट, तो सभी सदस्य से यही आग्रह है कि आप लोग इसको खबर कीजिए थाने को, इस पर ध्यान दें। हाँ, इस पर ध्यान रखा जाएगा। तो बहुत खुशी की बात है कि बड़ा उन्होंने याद किया हम लोगों को, शांति कमेटी वालों को, इसमें वार्ता हुई पर्व के त्यौहार के ऊपर में कि जुमा जो पड़ता है हम लोग को, इस जुमा में भी यहाँ से पोस्ट दिया जाएगा मस्जिद पर, और ईद के रोज भी सुबह में मस्जिद के ऊपर फोर्स को तैनात किया जाएगा, और बाकी चांद रात को भी रात में नाइट गश्ती थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। और कुछ समस्या है क्या आपके क्षेत्र? कोई समस्या नहीं है, और यहाँ तो हम लोग सब मिलजुल के पर्व त्यौहार मनाते हैं, चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली हो, छठ हो, हम लोग मिल के मनाते हैं। फिर भी बड़ा से हम लोग बोले कि आप जो है अपना फोर्स को जो है टाइट कर दीजिए, बढ़ा दीजिएगा, और हम लोग को इतमान रहेगा, शांति रहेगा। क्या परिचय दे दे? परिचय अली हैदर।